पाकिस्तान में जीत के बाद इमरान और उनकी पार्टी भले ही बहुत खुश हो और जीत का जश्न मना रही हो, लेकिन पाकिस्तान की चौपट अर्थव्यवस्था से पार पाना इमरान के लिए आसान नहीं होने वाला है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के लिए चीन से राहत भरी एक खबर आ रही है। पाकिस्तान के सबसे खास दोस्त चीन ने अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को $2 अरब का कर्ज देने का फैसला किया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इन दिनों चौपट हालत में है, जिसका खुलासा कुछ दिन पहले आई एक रिपोर्ट में हुआ था। पाकिस्तान की पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था और विदेश मुद्रा भंडार भरने के लिए चीन ने तुरंत पाकिस्तान को लोन देने के लिए सहमति जताई है, क्योंकि अगर चीन ऐसा नहीं करता तो पाकिस्तान को IMF के आगे हाथ फैलाने पड़ सकते थे। पाकिस्तान वित्त मंत्रालय और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सूत्रों ने कहा कि $2 मिलियन लोन को मंजूरी मिल चुकी है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान के खाते में $1 अरब से अधिक पहले ही ट्रांसफर हो चुके हैं और बचे हुए पैसे भी पाकिस्तान के खाते में जल्द ही डाल दिए जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इस पे कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बीती 20 जुलाई को $9 अरब तक गिर गया था, जिसके बाद चीन से $2 अरब की मदद मिलने के बाद पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर भार काफी हद तक कम हो जाएगा। नवाज की सरकार में बिगड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए चीन की यह वित्तीय सहायता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरकार को आर्थिक संकट से उबारने के लिए मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए भारत तक, और दाहिने कोने में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें।